नमस्कार, हर्बल पॉइंट बेगूसराय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। बंधु, हर्बल पॉइंट हमेशा अपने उद्देश्य के प्रति सजग है, सतर्क है और आपको भी सजग और सतर्क करना चाहता है। मैं चाहता हूं और हर्बल पॉइंट की ये इच्छा है कि अपने पूरे देश के लोग अपने घर के किचन के मसाले, आसपास के घास फूस और आसपास के पेड़ पौधों के अलावा कुछ वैसी चीजें जो बहुत ही सर्व सुलभ हो, से अपने तमाम रोगों से मुक्ति भी करें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें उन पद्धतियों से जहां पैसे भी बहुत लगते हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत है। तो चलिए, आज जो चीज का मैं ज्यादा भूमिका तो ज्यादा बांधता नहीं हूं, मैं आपको कई रोगों के लिए एक चमत्कारिक जो पिछले दिनों मैंने डाला था, वो डाला था पपीता। और पपीता तो आप जानते हैं होम्योपैथिक, और होम्योपैथिक भी आयुर्वेदिक का ही एक अंग है। चूंकि होम्योपैथिक में, आयुर्वेदिक में क्रूड फॉर्म में हम प्रयोग करते हैं, हम होम्योपैथिक में उसी का एसेंस या उसी का अक्ष लेके हम उसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए, पपाया पपीता तो आपके होम्योपैथिक में भी उपलब्ध है। तो पपीता के फल, उसके दूध और जड़ों के बारे में कल बातचीत हुई थी। आज मैं दो चीजों के बारे में, जो कल हम जानबूझ के छोड़ दिया था, वह है पपीता के बीज और पपीता के पत्ते। पपीता के बीज और पत्ते में खास करके फेनोलिन, फ्लेवोनोइड के अलावा प्रोटीन, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब पाया जाता है। ये एंटी ऑक्सीडेंट तो होता है, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी पैरासाइटिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, ये सब तो होता ही है। तो इसके गुणों के कारण आप सबसे पहले देखिए कि मैं आपको बीजों के बारे में बताऊं। ये बीज जो है ये लीवर के लिए बहुत उपयोगी है। इस बीज को पीस के आप इसके चूर्ण को आप एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम, आप कई दिनों तक लें। लीवर की तमाम समस्याएं, लीवर में कोई भी प्रॉब्लम हो, लीवर के प्रॉब्लम से लोग परेशान रहते हैं और बहुत दिनों तक बहुत इलाज कराने के बाद भी उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। मैं आपको बताऊं, इसके लिए आप बहुत सारे अंग्रेजी दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, ये हेपेटाइटिस वगैरह में लीवर की ही समस्या होती है, तो आप अगर पपीते का बीज का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा। इससे वायरल बुखार, बुखार क्रोनिक जब हो जाता है, निमोनिया हो जाए या और दूसरी तरह की चीज़ों का हो जाए, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। पेट के कीड़े, पेट में कीड़ा हो, इसके पाउडर को आप प्रयोग कीजिए। पेट के कीड़ा तो दूर होगा ही, आंत में जो वो कीड़े होते हैं वो सब। और कैंसर के लिए देखिए, कैंसर में जो फियान न्यूट्रिएंट और आइसोथियोसाइनेट, ये इसके होने के कारण ये कैंसर के कोशिकाओं का शमन करता है, उसका दमन करता है और उससे आपको निजात दिलाता है। शरीर का कोई भाग आपका सूज गया हो, तो सूज गया हो तो इसके पेस्ट को लगाएं। इसका ताजा बीज ले लीजिए एक चम्मच, उसका ताजा बीज का रस निकाल लीजिए और नींबू के 10 बूंद उसमें डाल के आप उसको पी दिए, तो आपका हार्ट सिरोसिस जो होगा, हृदय के जो समस्याएं होंगी, उसमें लाभ करेगा। और एक भाई जी, सबसे बड़ा कमाल है, आप तरह तरह की दवाएं प्रयोग करते हैं, ये बहुत बड़ा गर्भ निरोधक है। इसका अगर एक चम्मच रोज प्रयोग किया जाए, महिलाएं अगर करें तो वो गर्भ धारण नहीं कर सकती हैं, ये गर्भ निरोध का काम बहुत जबरदस्त करता है। इसके बाद हम पत्ते की ओर बढ़ते हैं। तो पत्ते की ओर बढ़ने के बाद देखिए, ये पत्ता इसका रस जो होता है आप निकाल लीजिए थोड़ा तोड़ के मिक्सी में, और 100 ml, आधा गिलास रस में आप शहद एक चम्मच मिला के आप सुबह शाम पिलाएं, कैंसर में जबरदस्त लाभ होता है, हार्ट में लाभ होगा, डेंगू से कोई नहीं मर सकता, डेंगू कोई रोग नहीं है। डेंगू का प्लेटलेट जो डाउन हो, आप ये पपीते के पत्ते का रस एक ग्लास 200 ml सुबह और 200 ml शाम तीन बार पिलाएं, सुबह शाम फिर कल सुबह, और कल शाम में आप उसके प्लेटलेट्स का चेक कराएं तो आपका प्लेटलेट 40,000-30,000 से सीधे 2.5-3 लाख हो जाएगा। इसका रस इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकास करता है, सर्दी जुकाम
बुखार और मलेरिया के लिए तो समझिए बिल्कुल रामबाण है। इसके आप रस में थोड़ा सा फिटकरी मिला के पिला दीजिए, आपका देखिए मलेरिया बुखार भी दूर हो जाएगा। पपीते के पत्ते का जो पेस्ट होता है वो कील मुहासे, यहाँ अगर चेहरे पर दाग धब्बे कील मुहासे हो तो उस पर अगर इसका पेस्ट लगाते हो तो आप देखिएगा इसका कील मुहासे भी दूर होगा। पपीते के पत्ते की आप देखिए कहाँ से लाएंगे, पपीता का पत्ता हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो पपीता के पत्ता जब उपलब्ध हो उसको सुखा दीजिए छाया में, उसका आप पाउडर बना लीजिए या ऐसे चूर बना लीजिए और उसकी चाय आप सुबह शाम लें, आपको पपीता के पत्तों का सारा लाभ उससे मिलेगा। बंधुओं सबसे बड़ी बात है, एक बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि अति सर्वत्र वर्जयेत, इसका बहुत अधिक प्रयोग न करें, नियमित रूप से समय के अनुसार और संतुलित मात्रा में प्रयोग करेंगे तो आपके इतने जबरदस्त लाभ होंगे। और ये पत्ते ये जो बीज है ये तो बहुत कॉस्टली माने जाएंगे ना, पपीता खाइए मुफ्त में और बीज से लाभ लीजिए, इससे बड़ा लाभ क्या होगा, आम का आम और गुठली का दाम इसी को कहते हैं। अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर न किए हो तो, और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर लिखिए, अपनी समस्या जरूर लिखिए, हम आपके सारी समस्याओं को दूर करेंगे इन्हीं आश्वासन और विश्वास के साथ। नमस्कार।